तो ये जो आप पॉट देख रहे हैं, ये हमारे हाथों से बनाया हुआ पॉट है। इसको हमने सीमेंट से बनाया है। और अगर आप भी ऐसा पॉट, बोनसाई पॉट बनाना चाहते हैं, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बताएंगे पीपल का बोनसाई कैसे बनाएं। इसके बारे में हम सारी चीज़ बताएंगे कि इसका सॉइल कैसे बनाएं और इसका प्रून कैसे करें, सब चीज़ बताएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि इसको हमने ये बकेट में लगा रखा था। बोनसाई का पहला स्टेज होता है दोस्तों कि आप सबसे पहले उसका रूट डेवलप होने दें। तो हम रूट डेवलप किए हैं, तकरीबन एक साल से हमने इस पॉट में इसको लगा रखा था, इस बकेट में। आप देखते हैं कि इसका रूट कितना डेवलप हुआ होगा अंदर। हम देख रहे हैं कि रूट तो अच्छा डेवलप हो चुका है, बढ़ चुका है। ज़्यादा हम इसको अगर निकालने की कोशिश करेंगे, इसका जड़ टूट सकता है। तो अच्छा होगा दोस्तों कि आप पानी में इसको साफ कर लें, ताकि जड़ को बिल्कुल नुकसान ना पहुँचे। इसको हमने पानी से पूरी तरह से जड़ को साफ कर लिया है, और हम देख रहे हैं कि इसका बहुत ही अच्छा इसका रूट डेवलप हो चुका है। हम इसको एक साल पहले हंटिंग करके लाए थे, एक पेड़ में लगा हुआ था, उसको हमने निकाल के रख लाया और एक पॉट में जो दिखाया उस गमले में लगा रखा था। दोस्तों, इसमें मेन रूट कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये कट चुका है। तो इसमें अब हम मेन रूट काटने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड स्टेज ये होता है कि मेन रूट काटना का पड़ता है, वो काटने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट इसको पॉट में लगा सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम हार्ड रिपोर्टिंग करते हैं, तो इसके जड़ को फंगीसाइड से ज़रूर धोना चाहिए, और कुछ देर ऐसा हम रख देंगे इसको, जिससे इसमें फंगस ना आए। तो ये जो आप पॉट देख रहे हैं, ये हमारे हाथों से बनाया हुआ पॉट है। इसको हमने सीमेंट से बनाया है। और अगर आप भी ऐसा पॉट, बोनसाई पॉट बनाना चाहते हैं, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने बता चुका है कि पत्थर बनाना कैसे है। तो इसमें हम अब इस पौधे को लगाएंगे, और हमने इसमें होल भी बना रखा है। होल में हम ईंट का टुकड़ा डाल रहे हैं। तो हम इसको पूरी तरह से रिपोर्ट कर चुके हैं। ये रिपोर्टिंग का काम हमारा पूरी तरीके से हो चुका है। अब प्रून करने का समय है दोस्तों। इसका बड़े बड़े पत्ती हम काट देंगे और कुछ ब्रांच काटेंगे। देखते हैं कैसे करना है। अब हम इसका प्रूनिंग कर रहे हैं। जितना भी बड़े पत्तियां हैं उसको पहले हम काटेंगे, उसके बाद ही ब्रांच का पता चलेगा कि हम कौन कौन से ब्रांच को कटिंग और करना है। सारे बड़े बड़े पत्ती हम हटा रहे हैं। बस कटिंग हो गया। तो सारे लीफ हमने काट चुका है, अब ब्रांच कटिंग का है। तो लीफ काटने के बाद ही पता चलता है कि कौन कौन से ब्रांच को हम कटिंग करें। जो लंबा ब्रांच है उसको हम कटिंग कर रहे हैं। तो इस बोनसाई का सारा काम हो चुका है, रिपोर्टिंग से लेकर प्रूनिंग तक। अब 15 दिन तक हम इसको छांव वाली जगह पे रखेंगे, बिल्कुल भी कड़े धूप में इसको मत रखिएगा। उसके बाद इसमें बड्स आ जाएंगे और थोड़े से पत्ती बड़े हो जाएंगे, तभी हम धूप वाली जगह में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आप लोग को मिलता रहे। थैंक यू।